यूपी के मुजफ्फरनगर में बालाजी मंदिर प्रबंध कमेटी का मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नया फरमान जारी हुआ है, जिसमें मंदिर परिसर में महिलाओं और युवतियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। कमेटी ने मंदिर परिसर के बाहर और अंदर नोटिस बोर्ड लगा दिया है, जिस पर साफ साफ लिखा गया है कि सभी महिलाएं और पुरुष मंदिर में मर्यादित वस्त्र ही पहनकर आएं। छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स, ये सब पहनकर आने पर बाहर से ही दर्शन कर सहयोग करें आज्ञा से श्री बालाजी महाराज। यानी मंदिर परिसर में महिलाएं और लड़कियां केवल मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आ सकती हैं। इतना ही नहीं, बालाजी मंदिर कमेटी ने आज्ञा का पालन न करने पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान रखा है। बालाजी मंदिर द्वारा इस तरह का फरमान जाहिर करने के बाद बालाजी मंदिर सोशल मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। मंदिर में पूजा पाठ करने वाले पंडित जी आलोक शर्मा जी का कहना है कि मंदिर परिसर में महिलाएं और लड़कियां साड़ी या सूट सलवार पहनकर ही आएं। साथ ही जब महिलाएं और लड़कियां मंदिर में आएं, तो चेहरे पर पल्लू पर्दा लगाकर मर्यादित रूप से मंदिर में आएं। अगर कोई महिला या लड़की नियमों का उल्लंघन करती है तो उसे पहले समझाया जाएगा, और उसके बाद भी अगर कोई मंदिर के नियमों को फॉलो नहीं करता तो उसके लिए बालाजी मंदिर कमेटी जुर्माना भी लगा सकती है। यहाँ पे जो है, हम लोग श्री बालाजी के श्री चरणों में यहाँ पे आते हैं, तो भक्त सभी तरीके से यहाँ पे आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी आए, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो लेडीज है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, या कोई भी हो, मर्यादित से आए, क्योंकि जो भगवान बालाजी के मर्यादा थी वो मतलब जो है हमारे धर्म पुराणों से वेद पुराण उनका यशगान करते हैं। और इसी तरह मतलब यहाँ पे भी अगर महिलाएं आएँ तो कोई आजकल जैसे फैशन में चल रहे हैं, जीन्स हो गया, स्कर्ट हो गया, गाउन हो गया, इस तरह के कोई भी अधिक कपड़े पहन के यहाँ पे ना आए, और सीधे सिंपल में लेडीज़ को आना चाहिए। अगर स्वागवंती हैं तो वो शादी के लिबाज में साड़ी पहन के आए, अगर लड़कियाँ हैं, कन्या हैं, बाला है, तो वो सूट पहन के यहाँ पे आए, और मुँह पे जो है एक होला पल्ला किसी तरह का कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। उससे क्या है कि मंदिर की भी गरिमा बनी रहेगी और हमारे जनता सेवा जो हमारे कर्मचारी हैं, ट्रस्ट के मेंबर हैं, उनकी भी गरिमा बनी रहेगी, और जो बाहर से दर्शक दर्शनीय गण आते हैं उनकी भी मर्यादा बनी रहेगी। उसके लिए प्रावधान ये होना चाहिए कि अगर वो जीन्स पहनने के बाद अपने मर्यादा में जा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो तब तो ठीक है। अगर वो इस तरीके का कुछ वो नहीं है तो उनके लिए कुछ ना कुछ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है जी। कोई जुर्माना भी लगाया जाएगा? हाँ जी, जुर्माना भी लगना चाहिए। हमारा मतलब ये है कि मंदिर ट्रस्ट की सेवा की तरफ से मतलब जो है पहले तो उन्हें एक दो बार समझा जाएगा, आग्रह किया जाएगा, अगर इस तरह की वो नहीं मानते अपॉर्चुनिटी तो उन्हें आगे मतलब जुर्माना लगाने का एक बैन होना चाहिए, ताकि हर आदमी यहाँ पे इस मर्यादा को समझे और अपनी मर्यादा को निभाए। वहीं मंदिर में आने वाली श्रद्धालु महिलाओं का भी मानना है कि मंदिर में पूजा पाठ के लिए जो भी महिला या लड़की आए वो मर्यादित कपड़े पहनकर ही मंदिर परिसर में आए, न कि जीन्स और स्कर्ट टॉप पहनकर आ जाए। नोटिस बोर्ड लगाया गया है कि महिलाएं जो है मर्यादा से बाहर आ रही हैं, होके जीन्स पहन कर आ रही हैं, हाफ पैंट पहन कर आ रही हैं, और जो भी कुछ मर्जी अपनी वो पहन कर आ रही हैं महिलाएं, उसके लिए रोकने के लिए, हमारी परंपरा बनाने के लिए हमें वो पहनावा बदलना चाहिए। हमें अपनी मातृ वेश में आना चाहिए, जो हमारी मतलब हमें वस्त्र पहनने चाहिए अच्छे से अच्छे, शरीर का दिखावा कम से कम करना चाहिए। शॉर्ट ना डालकर आएँ तो ज़्यादा बेटर है, कंप्लीट अपने कंप्लीट ड्रेसअप है, जो शर्ट पैंट है वो डालकर आएँ, और जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, लड़कियां सूट डालकर आएँ। आपको बता दें कि बालाजी मंदिर प्रबंध कमेटी के अनुसार ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बालाजी मंदिर में पुरुषों के साथ महिलाएं, लड़कियां और बच्चे दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। बालाजी मंदिर की अपनी एक मर्यादा है जिसे हम सबको फॉलो करना चाहिए, इसलिए मंदिर कमेटी ने नए नियम कानून बनाए हैं।